हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पार्टिकल फिजिक्स के, पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजन नंबर्स, ब्रेव नंबर्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट, गेट और सभी एग्ज़ाम के लिए। इसमें यह होता है कि कई बार आपको गेट में स्पेशली ये पूछ लेते हैं कि इसका स्टेजन नंबर्स क्या है या इसकी आइसोस्पिन क्या है। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, ठीक है, उसकी आपने आइसोस्पिन याद करनी है, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट जो आपका होता है आइसोस्पिन, वो अपने याद करना है, और उसका स्टेजन नंबर्स, ठीक है। बेरियन आपको पता ही है, जो आपके क्या होते हैं, बेरियन्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाई मीजोन्स, ठीक है। पाई मीजोन में आप देख सकते हैं इसका आइसोस्पिन क्या है, 1, और इसका हाइपरचार्ज क्या होता है, 0। यह एक आपका फार्मूला होता है वाई इज इक्वल टू एस प्लस बी। मीन्स आपका, अगर आपको स्टेजन नंबर पता है और बेरियम नंबर पता है, जस्ट आपने उसकी एडिशन करके या आपने क्या है उसका हाइपरचार्ज निकाल लेना है। सबसे पहले आप देख लीजिए क्या आपका जो पाई मीजोन है, इसकी आपको पता है 3 टाइप होती हैं, पाई जी प्लस, पाई जीरो, पाई नेगेटिव। इसमें आपने याद रखना है कि पाई प्लस का क्या है आपका, 1 होता है, ठीक है। पाई जो आपका प्लस है उसका आइसोस्पिन क्या होती है, +1। इसकी स्टेज नंबर क्या होता है, 0, क्योंकि ये बेरियम पार्टिकल नहीं है तो इसकी 0 होगा, बेरियम पार्टिकल्स। तो आपका मैंने बताया जैसे आपको फार्मूला हाइपरचार्ज का क्या होता है, एस प्लस बी, तो आपका क्या आ गया, एस आपका क्या है, 0, बी आपका क्या है, 0, तो हाइपरचार्ज भी आपका क्या हो गया, 0। इसमें नेक्स्ट देखिए आपका, ठीक है, पाई जीरो का आइसोस्पिन क्या है। पहला आइसोस्पिन देख लेते हैं हम सभी की, ठीक है, उसके बाद हम स्टेजन नंबर देखेंगे। पाई जीरो की क्या है, 0। पाई नेगेटिव क्या है, नेगेटिव, ठीक है, जो सिंपल है कॉम्बिनेशन, ठीक है। पाई प्लस का क्या है आपका, पाई प्लस की क्या है, हाफ, और पाई नेगेटिव की माइनस नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस स्टूडेंट आपके गलती कर देते हैं। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम नेट दिया था तो मेरा भी क्या था, रोंग हो गया था, ठीक है। मैंने गेट, नेट, बार एग्ज़ाम क्लियर किया है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे मैं स्टूडेंट बिलोंग करता हूँ रूरल एरिया से, तो मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, ठीक है, अपनी सेल्फ स्टडी से की है। तो मैं चाहता था जो मेरे नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं, जो भी मैंने मटेरियल कलेक्ट किया है नेट से या कहीं भी से, वो आपको मैं प्रोवाइड करूँ, ताकि जो आपके लिए भी बेनिफिट हो, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट करते हैं के प्लस, इसका क्या है, स्पिन स्पिन क्या होती है, हाफ। जी आपको बता रहा था कि के जीरो का क्या होता है कि स्टूडेंट प्लस हाफ ले लेते हैं, जबकि ये रॉन्ग होता है, माइनस हाफ होता है, ठीक है। जी आपने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखते हैं कई बार स्टूडेंट जे ले लेते हैं रॉन्ग, कि के जीरो बार, मीन्स वो इसको क्या लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि बार है तो वो सोच लेते हैं कि नेगेटिव होगा, पर ये आपका क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट कर लेना बार बार। उसको लास्ट में आपका क्या है कि नेगेटिव का क्या है, -1/2, और ईटा का क्या है, ईटा का आपको स्पेशल ये है कि इसका सभी 0 होता है, मतलब स्टेजन नंबर्स, हाइपरचार्ज, ठीक है, ये आपके लिए। अभी प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन आपको पता है, ये आपका क्या आ गया, बेरियम पार्टिकल आ गए, तो उसका बेरियम नंबर तो होगा, ठीक है। अभी इसका, सॉरी ये थोड़ा सा, ये प्रोटॉन है, इसका क्या है, हाफ, ठीक है, +1/2। अभी प्रोटॉन का बार क्या होगा इसका, नेगेटिव, ठीक है। न्यूट्रॉन का क्या है इसका, आपका क्या है जी, माइनस है, हाफ, ठीक है, 1/2, ठीक है। अभी जी आपके दोनों पार्टिकल्स क्या हैं आपके, बेरियम्स है, तो इसका बेरियम्स नंबर भी होगा। अभी लैम्डा जीरो का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा जीरो का आपका क्या है, आइसोस्पिन भी 0 होती है, ठीक है, और आपका हाइपरचार्ज भी क्या होता है इसका, 0 होता है, सॉरी थोड़ा सा वो, ठीक है, जहाँ पर है, ठीक है, जे रहा, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, आपका आइसोस्पिन 0 होती है, ये भी 0 होती है, ठीक है, पर इसका जो स्टेजन नंबर होता है वो 0 नहीं होता, ठीक है, अपने याद रखना है। उसके बाद आपका
ये देखिए जहाँ पर मैंने लिखा है प्लस, आपका आगे आ गया ओमेगा, ठीक है। ओमेगा का आपको पता है लाइक पाई है, जहाँ पर आपका प्लस है तो +1 होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो -1 होगा, ठीक है। अगर 0 है तो 0 होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका क्या है, जो आपको क्या आ जाता है, कास्केड पार्टिकल्स। कास्केड आपका क्या है, लाइक ए प्रोटोन, ये मैंने जहाँ पर लिखा है, ठीक है, लाइक ए प्रोटोन न्यूट्रॉन। अगर 0 है तो +1/2 आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो आपका -1/2 होना है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका ओमेगा, ओमेगा का आपको जा रखना है क्या, उसकी आइसोस्पिन क्या होती है, 0 होती है। उसका स्टेरिक नंबर -3 होता है, और उसका ये क्या होता है, आइसोस्पिन 0 होती है। अभी आपका देख सकते हैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपने जो रखना है कि स्टेरिजनस जो होता है वो मिनरल क्या होता है, केओन्स का है और हाइपरओन्स का है, ठीक है। जो आपका स्टेरिक नंबर है या आपके मेन इसका है, ठीक है, के मीजोन का है, और नीचे जो भी आपके क्या है सारे हाइपरओन्स का है, ठीक है। इसमें आपका जो न्यूक्लियस आते हैं उसका जो नहीं होता। इसमें आपने याद करना है जो आपका क्या है, सिंपल रिवर्स होता है इसका आइसोस्पिन का, ठीक है। जैसे जहाँ पर प्लस है, जहाँ पर आपका सेम हो गया, चलो जहाँ पर देखो के 0 -1/2 है, तो जहाँ पर आपका क्या है प्लस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आपका के 0 बार क्या है प्लस है, जहाँ पर आपका क्या है नेगेटिव है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें जो आपका स्ट्रेंज नंबर्स है वो सिंपल ही है, जैसे बार है तो जनरल नेगेटिव होता है ना, कोई भी नंबर स्ट्रेंज नंबर्स या बेरियम नंबर सेम है आपका। जहाँ पर लास्ट में, ठीक है, ये प्लस है ये नेगेटिव है। अभी आपने स्ट्रेंज नंबर को याद करने का इजी मेथड क्या है, देखो आपने याद करना है कि स्ट्रेंज नंबर क्या है, सिंपल आपके क्या है दो तीन देखने हैं, प्लस प्लस किसका है, वो लास्ट में मैंने एक बनाया है पैटर्न, वो आपको मैं दिखा दूंगा। अभी आपका बेरोन नंबर क्या होता है, जो बेरोन्स पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जहाँ से आपके बेरोन्स पार्टिकल स्टार्ट होते हैं प्रोटोन से, ठीक है। मेन मीन जो क्या होते हैं फर्मियोन्स होते हैं, वही आपके क्या होते हैं बेरोन्स की टाइप होती है। तो आपके कोई मीजोन था उनका तो बेरोन नंबर 0 होगा, ठीक है, वो नीचे सभी का क्या है प्लस होगा, ठीक है। अभी आपका मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया है जो आपको इजीली हेल्प करेगा, ये देखियो, ये आपका प्लस है, उसका आइसोस्पिन क्या होती है हाफ, +1/2। दूसरा स्टेजन नंबर्स की होता है +1/2, ठीक है, ये तो आपका सेम ही हो गया, अगर प्लस है तो प्लस प्लस दोनों हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या आ गया, ये 0, ठीक है, के 0 न्यूट्रल है, मतलब इसमें आपने याद रखना है कि ये आपका क्या होता है नेगेटिव होता है ये, ठीक है, पर इसमें क्या है स्टेज नंबर प्लस होता है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था। अभी के 0 बार क्या है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है प्लस है, आइसोस्पिन प्लस होती है, पर स्टेज नंबर क्या होता है नेगेटिव होती है, सेम आपका लास्ट केस है, ठीक है। इसमें आपने जहाँ पर लिखा है मैंने हियर आई जेड मीन्स थर्ड कंपोनेंट आपका क्या होता है फॉर के 0, ठीक है, ये आपका है -1/2 है, ठीक है, के 0, पर स्ट्रेन नंबर क्या है आपका 1 है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मिस्टेक कर देते हैं। अभी आपका देखो इसके नेक्स्ट जो पाई प्लस 0 नेगेटिव का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सुस्पिन का वो सेम है एज ए ओमेगा का। अगर पाई प्लस का 1 है तो जहाँ पर भी आपका 1 है, आइसोस्पिन का सेम है, ठीक है। स्ट्रेंज नंबर का क्या है आपका, यहाँ पर 0 0 है, जहाँ पर आपका क्या है सभी की क्या है स्ट्रेंज नंबर -1, याद रखना अपने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोटॉन का, प्रोटॉन की जो आपके आइसोस्पिन है वो सेम है कास्केड पार्टिकल की, ठीक है, जैसे जहाँ पर है, ठीक है। अगर प्रोटॉन प्लस है हाफ है तो जहाँ पर भी +1/2 है, ठीक है। इसमें आपका कास्केड पार्टिकल जो आपने रखना है कि दोनों का क्या है स्ट्रेंज नंबर क्या होता है -2 होता है, ठीक है, जैसे जहाँ पर मैंने ऊपर लिखा होगा शो होगा, ठीक है, ये लास्ट वाले हैं, जो आपने याद कर लेना कि किसका -3 होता है, ओमेगा का -3 होता है, जो आपने याद कर लेना है ओमेगा का -3 होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कास्केड का -2 होता है, ठीक है, और आपका जो -1 है वो आपके क्या है ओमेगा, और ये आपका क्या है इसका जी, ठीक है, लैम्डा का 0 होता है। लास्ट में आपका क्या है ये आपने याद रखना है बस, ठीक है। ओमेगा का आपका क्या है, जो आपका स्ट्रेन नंबर क्या होता है -3 होता है, और आइसोस्पिन क्या होती है 0, ठीक है।
जहाँ पर इक्टा का आपको पता है सभी आपको जीरो होता है, ठीक है, मैंने बताया था। लास्ट में लैम्डा का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रेंज नंबर के जीरो ले लेते हैं, क्योंकि चार्ज आपका क्या होता है, जीरो होता है, वो जीरो ले लेते हैं, पर आपका स्ट्रेंज नंबर क्या है इसका, जीरो नहीं होता, माइनस वन होता है, आइसोस्पिन हाँ जीरो होती है, ठीक है। ये आपका था सिंपल आपके स्ट्रेंज नंबर, ग्रे नंबर। अगर आप चाहते हैं तो इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपको इंफॉर्मेशन वीडियो, ठीक है, आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके जो आपके टेस्ट के रिलेटेड में अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।